दोस्तों आज हम लोग डिजिटल जमाने में जी रहे हैं, ऐसे में ज्यादातर कार्य भी डिजिटल हो गया, जिस कारण हम सभी आज इंटरनेट पर निर्भर हो चुके हैं और ये हमारी एक बेसिक जरूरत भी बन गई है, क्योंकि आज एक आम इंसान से लेकर बड़ी बड़ी सरकारी तथा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत सारी डाटा या इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर मौजूद है और हम सभी को पता है कि किसी के निजी डेटा कितनी महत्वपूर्ण चीज है, इसीलिए इसकी सिक्योरिटी भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन दोस्तों साइबर स्पेस में आज हैकर्स बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। आज आए दिन साइबर अटैक, वेबसाइट हैक, डाटा लीक, सर्वर हैक इत्यादि जैसे जुड़े मामले सुनने को मिलता है, पर क्या आपको पता है कि ये सभी टर्म्स क्या है? हालांकि कुछ लोगों को इस टर्म्स के बारे में पता होता है, लेकिन कुछ लोग वैसे भी होंगे जिन्हें ये पता नहीं होगा कि साइबर अटैक क्या होता है, साइबर अटैक कैसे होता है या फिर साइबर अटैक कितने प्रकार के होते हैं। अगर आप ऐसे ही सवाल ढूंढते हुए यहां आए हो तो आप सही जगह आए हो, क्योंकि आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि साइबर अटैक क्या होता है। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, आइए जानते हैं साइबर अटैक क्या है। साइबर अटैक के दोनों टर्म्स को अलग अलग करके समझने का प्रयास करें तो साइबर जिसका मतलब होता है इंटरनेट या इंटरनेट से जुड़ी चीज, और अटैक जिसका मतलब होता है हमला करना। अतः साइबर अटैक की परिभाषा को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि किसी आतंकी गतिविधियों के उद्देश्य से साइबर स्पेस में किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी के पर्सनल नेटवर्क में बिना अनुमति के इंटरनेट या इंटरनेट से जुड़ी चीजें जैसे वेबसाइट, कंप्यूटर, नेटवर्क, डाटा इत्यादि पर हमला करके उस पर कब्जा करना साइबर अटैक कहलाती है। जिस तरह हकीकत में चोर या हमारा कोई दुश्मन हमारी संपत्ति को चुराने या उस पर कब्जा करने के लिए प्रयास करती है, ठीक उसी तरह साइबर यानी कि इंटरनेट की दुनिया में भी हैकर साइबर अटैक करके हमारी या किसी संस्था की पर्सनल जानकारी चुरा कर उस पर कब्जा करना चाहती है या उससे फिरौती की मांग करता है। अब आइए जानते हैं कि साइबर अटैक कौन करता है। साइबर अटैक करने वाला एक इंसान ही होता है, पर वो कोई साधारण इंसान नहीं होता, बल्कि वो एक कंप्यूटर हैकिंग एक्सपर्ट होता है, जो धोखे से किसी के नेटवर्क में घुसकर दूसरों की वेबसाइट, कंप्यूटर, डाटा इत्यादि को हैक करके उस पर कब्जा करते हैं, जिसे हैकर कहा जाता है। हालांकि हैकर भी तीन तरह के होते हैं। व्हाइट हैट हैकर, इस तरह के हैकर अपने ज्ञान का उपयोग किसी अवैध गतिविधि में शामिल होने के लिए नहीं करते, बल्कि ये अच्छे कामों के लिए यानी कि साइबर की सुरक्षा या अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार या किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ब्लैक हैट हैकर, इस तरह के हैकर अपने ज्ञान का दुरुपयोग करते हैं, अर्थात अपने ज्ञान का उपयोग ज्यादातर अवैध यानी कि गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए करते हैं। इन हैकर का काम होता है साइबर सिक्योरिटी को भंग करना, जैसे किसी की निजी जानकारी चुराना, किसी के अकाउंट को हैक करना, वेबसाइट हैक करना इत्यादि। ग्रे हैट हैकर, इस श्रेणी में आने वाले हैकर व्हाइट हैट हैकर और ब्लैक हैट हैकर दोनों का सम्मिश्रण होते हैं, क्योंकि ये अपने ज्ञान का उपयोग अपनी जरूरत तथा इच्छा के अनुसार करते हैं, अर्थात ये कभी अच्छे काम भी करते हैं और कभी कभी गैर कानूनी काम भी करते हैं। अब आइए जान लेते हैं कि साइबर अटैक कितने प्रकार के होते हैं। जब भी कोई हैकर्स किसी सिस्टम को हैक करता है तो ये जरूरी नहीं कि वो हमेशा एक ही मेथड से सिस्टम को हैक करे। सिस्टम या नेटवर्क को हैकर्स किस किस तरीके से हैक कर सकता है, ये साइबर अटैक कैसे कैसे हो सकता है, चलिए जानते हैं। नंबर वन, रैनसमवेयर। रैनसमवेयर एक ऐसा वायरस है जो एक बार सिस्टम में इंस्टॉल होने के बाद उस सिस्टम में पड़ी हुई फाइल को इनक्रिप्ट कर देता है और धीरे धीरे सारे सिस्टम पर अपना अधिकार जमा लेता है और फिर सिस्टम में पड़ी हुई सारी फाइल को इनक्रिप्ट कर देता है। नंबर टू, मालवेयर। मालवेयर भी एक तरह का वायरस होता है, जिसका मतलब होता है बेकार सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर खुद तो बेकार होता ही है, साथ ही साथ सिस्टम और सिस्टम में पड़ी हुई फाइल को भी बेकार कर देता है। जब कभी हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो गलती से या फिर जानते हुए ही हम किसी गलत वेबसाइट को ओपन कर देते हैं जिस पर मालवेयर लगे होते हैं, या फिर कभी कभी स्पैम ईमेल को ओपन करने पर भी मालवेयर वायरस सिस्टम में आ जाता है। बार बार पेन ड्राइव, CDs, DVDs एक्स्ट्रा को सिस्टम में लगाने पर भी ये वायरस आ जाता है। मालवेयर एक बार सिस्टम में आने के बाद ये डाटा को चोरी करके हैकर्स के पास भेजते रहता है या फिर डेटा को इनक्रिप्ट कर देता है। नंबर थ्री, स्पाईवेयर। स्पाईवेयर जैसे कि नाम से ही मालूम चलता है कि एक तरह का जासूसी करने वाला वायरस है। जब कभी भी हम किसी वेबसाइट पर जाकर कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो उस सॉफ्टवेयर के साथ साथ कुछ और भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाते हैं। ये सॉफ्टवेयर सिस्टम से तो कोई डेटा चोरी नहीं करता है, बट सिस्टम में हो रही हर एक्टिविटी पर नजर रखता है। नंबर फोर, जब हम किसी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो उस एप्लीकेशन को ओपन करते ही एक एड शो होती है। ये एड एडवेयर सॉफ्टवेयर के कारण आती है। एडवेयर भी एक तरह का वायरस होता है, जिसका यूज एडवर्टाइजर द्वारा एडवर्टाइजमेंट के लिए होता है, और जब भी हम इन एड पर क्लिक करते हैं तो हम नई एडवर्टाइज वाली साइट पर चले जाते हैं। नंबर फाइव, फिशिंग। फिशिंग सब मछली पकड़ने के लिए किया जाता है। मछली पकड़ने वाले फिशिंग और साइबर अटैक वाले फिशिंग में एकमात्र अंतर यही है कि मछुआरों द्वारा समुद्र में मछलियों को पकड़ने के लिए जाल फेंका जाता है, जबकि फिशिंग अटैक में हैकर्स द्वारा लोगों को ऑनलाइन जाल में फंसाकर उनसे महत्वपूर्ण जानकारी चुराने की कोशिश की जाती है। अब आइए ये भी जान लेते हैं कि साइबर अटैक से कैसे बचे। साइबर अटैक से बचने
बचने के लिए जो मेथड हम यूज करते हैं उनको साइबर सिक्योरिटी कहा जाता है। हर एक व्यक्ति जो इंटरनेट का यूज करता है, डेटा इन्फॉर्मेशन शेयर करता है, उनको बहुत ही केयरफुल होकर इंटरनेट का यूज करना चाहिए जिससे इंटरनेट अटैक से बचा जा सके। साइबर अटैक से बचने के लिए निम्नलिखित तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। नंबर 1, हमेशा फोन और सिस्टम को समय समय पर अपडेट करते रहना चाहिए। सिस्टम को अपडेट करने पर उसमें नई नई फीचर्स आते हैं जो साइबर अटैक से बचने के लिए काफी कारगर होते हैं। नंबर 2, फ्री वाईफाई के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि जब भी हम किसी का वाईफाई यूज करते हैं तो हम जिसका वाईफाई ले रहे हैं वो आपके फोन पर या सिस्टम पर एक्सेस कर सकता है। नंबर 3, इंटरनेट पर मौजूद सोशल साइट जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब इत्यादि पर अपनी प्राइवेट इंफॉर्मेशन शेयर ना करें। नंबर 4, इंटरनेट के किसी भी प्लेटफॉर्म पर बनाए गए अकाउंट की यूजर आईडी, पासवर्ड इत्यादि को किसी दूसरों के साथ शेयर ना करें। नंबर 5, इंटरनेट के किसी भी प्लेटफॉर्म पर बनाए गए अकाउंट की पासवर्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाए और हर जगह एक ही पासवर्ड ना रखें। नंबर 6, SMS के माध्यम से आने वाले लिंक के बारे में जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं हो उस पर क्लिक ना करें। नंबर 7, अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर फ्री के चक्कर में फालतू हार्मफुल एप्लीकेशन इंस्टॉल ना करें। नंबर 8, बेवजह फोन के माध्यम से किसी को OTP, पिन, पासवर्ड इत्यादि इंफॉर्मेशन ना दें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको साइबर अटैक से जुड़ी इन सारी बातों को जानकर अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।